गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाली है कद्दू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने रात को ही कद्दू को कट करके रखा था। तो ये वाला कंटेनर मैंने डीमार्ट से लिया था जिसमें हम सब्जियां कट करके रख सकते हैं। ये मैंने रात को ही कट कर लिया था क्योंकि आज मुझे मिर्ची का संभारा बनाना है और कद्दू की सब्जी बनानी है। तो भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गर्म करने की रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और मसालों में मैंने राई, मेथी, सौंफ, जीरा और अजवाइन लिया है। तो तेल गर्म हो जाए तो सब मसाले भी ऐड करेंगे। सूखा लाल मिर्च ऐड करेंगे, तो इस मिर्ची को बोरिया मिर्च कहते हैं या फिर राउंड चिली कहते हैं, तो वो भी ऐड करेंगे। हींग ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसी के साथ हम कद्दू ऐड करेंगे। तो कद्दू को मैंने इस तरह से पतला कट कर लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। तो इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे और यहाँ पर हम मिर्ची बना लेंगे और कद्दू को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई डाल देंगे, थोड़ी सी हींग और मिर्ची ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक। अच्छे से मिला लेंगे। अब मिर्ची थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो मैंने जो मिर्ची ली है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो इसे बिना ढक्कन लगाए ही हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मिर्ची थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो उसी के साथ आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर और भुनी हुई मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मिर्ची भी रेडी है। अब कद्दू को भी देख लेंगे। कद्दू 90% जितने कुक हो गए हैं, तो उसी के साथ आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्जी रेडी है। और बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप धनिया किस तरह से स्टोर करते हो, क्योंकि आपका धनिया रोज़ फ्रेश ही होता है। तो मैंने डीमार्ट से इस तरह का कंटेनर लिया है और इसमें मैंने धनिया रख दिया है। तो नीचे मैंने एक किचन पेपर रखा है, उसमें धनिया रख दिया है और धनिया को मैंने साफ करके रखा है, धोया नहीं है लेकिन सब डंठन वगैरह सब हटा कर इसमें रखा है। और ऊपर भी एक किचन पेपर लगा दिया है और ऊपर वाला जो किचन पेपर है उसे मैं 2 दिन में चेंज करती हूँ। तो इस तरह से अगर हम धनिया स्टोर करेंगे तो वो 7 से 8 दिन तक अच्छे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। और जब भी हम इसे फ्रीज में से निकालें तो धनिया लेकर हम तुरंत इसे फ्रीज में रख देंगे, क्योंकि बाहर रखेंगे तो फिर से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और धनिया ख़राब हो सकता है। तो आज मैंने फिर से किचन पेपर चेंज कर लिया है। अब सबसे आखिर में ढेर सारा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में बनाई है रोटी। और बहुत सारे फ्रेंड्स इस तवा के बारे में पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया, हमें लिंक चाहिए। लेकिन ये मैंने लोकल शॉप से लिया है और ये 14-15 साल पुराना है, इसका हैंडल भी अब निकलने लगा है, तो लिंक मेरे पास नहीं है। और रोटी को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी एमरेट पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है रोटी और ये है थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी कद्दू की सब्जी और ये है चटपटा मिर्ची का संभारा और ये है माखन या गाठिया, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।